कांग्रेस के बड़े नेताओं की गुटी लड़ाई निचले स्तर तक उतर आई है। कमलनाथ और दिग्विजय खेमे के नेता अब खुलकर आमने सामने आ रहे हैं। जूतम पे जार जारी है। ये नजारा कांग्रेस के घर घर चलो अभियान में सिर्फ फुटवल के तौर पर देखने को मिला। चार या पांच साल हो गए, कोई आया नहीं, कोई नेता नहीं आया, कोई विधायक नहीं आया, कोई नहीं आया। आना भी हमारे से वोट मांगने भी बताएंगे उस दिन। वो जमाना गया है कि बाप दादा देते आए थे, आना बताएंगे। और मैं नहीं, पूरा पारी बताएंगे तुम्हारे को इस बार। अरे उसी दिन हम जाने नहीं दे रहे थे, भैया ने मना कर दिए। हम तो उसी दिन यहाँ रोक लिए, रोकने वाले थे। चार साल हो गए, क्या करे? वोट मांगने आ जाते, ऐसे काम के लिए कोई आता नहीं। बच्चे भी सब समझदार हो गए, बड़े भी हो गए, पढ़े लिखे भी हो गए, और उनका क्या कहना पड़ रहा है वो सुन लो। क्या कहना पड़ता है सुरेश? गांव में नहीं घुसने देंगे, नहीं घुसने देंगे हम, बाहर नहीं होना। अरे पिछना वाले फाटे से नहीं घुसने देंगे, गांव दूर की बात है, गांव फाटे से नहीं घुसने देंगे। कर देना एफआईआर, जिसको जो करना चाहे जेल भेज देना। काम ही नहीं हो तो काय मतलब से क्यों 100% पहुंचा दिया जाए। नहीं वोट के लेना तो दौड़ी दौड़ी ना, जब चुनाव जीती गई तो कम से कम मुंह दिखाना तो। अरे किसानों के कैसे कैसे वादे करके गए, कभी वापस आए ही नहीं। माफ हुआ गाड़वे जी? पहला सवाल तो हर कांग्रेसी से ये पूछो, कर्जा माफ हुआ किसानों का? अरे कहाँ से पर्चा मांग ही रहा है? दो किस्त माफ हुई मिस्टर राहुल गांधी ने, वापस मांग रहा है। मुख्यमंत्री बदल दूंगा, बदला मुख्यमंत्री, सरकार खा गए बेच के, तो उससे हमको क्या लेना देना। 15 मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवा के कांग्रेस विधायक ग्यारसी लाल रावत को उनकी विधानसभा क्षेत्र के झोपाली के लोगों ने घर भेज दिया। कांग्रेस के पूर्व मंत्री शोभाराम पटेल के पुत्र शिव पटेल ने मंदिर के सामने ग्रामीणों के समूह के साथ विधायक ग्यारसी लाल रावत को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि इस तरह की दिखावटी यात्राओं पर हर गांव के लोग विरोध कर बाहर ही रवाना कर देंगे। वो दिन गए जब बाप दादा वोट देते थे, अब हमारे बच्चे समझदार हो गए हैं और पढ़े लिखे भी हो गए हैं। कांग्रेसी बनकर आए हो तो कोई स्वागत नहीं, कांग्रेस में जिसकी लाठी उसकी भैंस हो गई है। 15 साल फिर घर बैठेगी कांग्रेस। टाइमेट मध्य प्रदेश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइमेट मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइमेट मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक फॉलो और शेयर जरूर करें। हमें हमेशा इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।